This film is based on short story Jambun Ka Ped, written by Kishan Chandar. सुबह सुबह ही कही गुड मॉर्निंग जी अज कित्थे चले आए मजा आ गया आए चलो भाई ये तो हो गया अब वो काम तो कर लूं हैं रोज कूड़ा थैला भर भर के हैं कहाँ फेंकना थक गया भाई आए ये क्या है यहाँ कूड़ा ना फेंके अरे पहले खुद तो भर दिया पूरा कूड़ा फेंक फेंक के अब हमारी बारी आई तो कूड़ा ना फेंके किधर फेंकेंगे ये हाँ पिटना क्या घर में हमें हाँ आए बड़े कूड़ा ना फेंके ये कहाँ आ गया भाई कैसे निकलूंगा यहां से अरे भाई अरे भाई कोई निकालो तो अरे भाई ओह तेरी अब कौन निकालेगा मुझे यहाँ से ओह अरे भाई कोई है क्या बाहर अरे भाई कोई है ओह अब कौन निकालेगा मुझे यहाँ से आ नहीं रहा कोई कोई कौन निकालेगा यार साला पी डब्ल्यू डी में आके पूरी जिंदगी खराब कर दी गड्ढा खोदो गड्ढा भरो पूरी जिंदगी गड्ढे में आज तो राजेश की शादी भी है हाँ यार मुफ्त की दारू मिलेगी जल्दी कर कुत्ते की तरह पियेंगे आज हाँ गड्ढा नाप रे अभी नापता हूँ अबे आवाज आई ऊपर से तुझे भी आई ना हाँ। कौन बोला इधर अबे ऊपर से नहीं आई नीचे से आई देखिए नहीं अरे भाई साहब कौन है माँ भाई जी हम हैं अबे हम हैं नाम है कोई जी सिकंदर है हमारा नाम भाई साहब ये सिकंदर मुझे लग रहा है तू बंदर तू कर क्या रहा है अंदर अरे भाई साहब हम गलती से गिर गए हैं यहाँ हमें कृपया बाहर निकाल दीजिए गलती से गिरे हैं कि कुछ गलत करके गिरे हैं साला बड़ा गिरा हुआ इंसान लगता है चलते लग ही रहा है चल एक काम करते हैं अपना काम ऐसे करा लेते हैं और फिर ये सही रहेगा अच्छा एक काम कर जरा नाप तो बता नाप तो सर हमें ऐसे ही बता दे ये क्या करना है हम 30 तो पैंट पहनते हैं और 40 हमारी कमीज है ए, ए, तेरे को मैं लेडीज टेलर लग रहा हूँ क्या हैं अबे चलो पकड़ इसे गड्ढा नाप गड्ढा चल हाँ नीचे तक आ गया कितना 20 देखिए अरे ज्यादा बीस ज्यादा चल चल चल
छोड़ चल 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 चल। अरे भाई साहब बाहर। अरे ये हमारा काम थोड़ी ना यार। अरे यार अबे इसे बीड़ी दे, बीड़ी बीड़ी। हमारा काम है गड्ढे नापना, बंदों को बाहर निकालना नहीं। ले बीड़ी पकड़, ऐश कर चल। अरे अरे भाई साहब सुनो, थैंक यू। अरे ओ भाई साहब, भाई साहब। अच्छा बेटा, मैंने जो तुम्हें रिसर्च करने को बोला था सेमिनार पे टॉपिक पे, वो तुमने करी क्या? अरे बेटा क्या कर रहे हो? बस मैम। हाँ मैम, मैंने जो तुम्हें रिसर्च करने को बोला था वो तुमने करी क्या? मैम मैंने मटेरियल ढूंढा नेट पे, पर मुझे केस स्टडी नहीं मिली कोई। एक तो आजकल के बच्चे भी ना काम कुछ करते नहीं, और मैम ये मैम वो, बस तुम लोगों का ना बस यही काम है। मैम मैंने ढूंढा था, बस अब तुम भी ना। बेटा जल्दी चलो। मैम किसी की आवाज आ रही है। बेटा काम के समय तुम्हें किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, अब तुम्हें आवाजें आ रही हैं। मैम ये आवाज वहां से आ रही है, गड्ढे से शायद। आओ चलो देख लेते हैं, अगर आई ही है तो किसके आवाज। जल्दी चलो, आओ चलो देखते हैं। अरे बेटा तुम यहाँ कैसे गिरे? अरे मैडम जी क्या बताएं, सुबह सैर पे निकले। बेटा अभी तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें अपने सेमिनार के लिए केस स्टडी नहीं मिली, अब जल्दी से केस स्टडी करो इसकी। हाँ मैम। कैसा सेमिनार है मैडम जी? बेटा तुम बताओ। हम एक सेमिनार पे डेली जा रहे हैं जी, कि गड्ढे में गिरे हुए व्यक्ति को कैसे बाहर निकालेंगे। अरे मैडम जी तब तो अच्छी बात है, आप हमें बाहर निकालेंगे ना? निकाल दूंगी, पहले फोटो तो खिंचा लो एक अपनी। अरे मैडम जी आपको फोटो की पड़ी है, हम सुबह से यहाँ गंदा पड़े हैं मैडम जी। फेसबुक पर डाल दूंगी, जब बाहर निकलोगे ना सभी देखेंगे कि ये बंदा गड्ढे पे गिरा हुआ था, फेमस हो जाओगे तुम लोग। ऐसा क्या? तभी तो बोली फोटो खिंचवा लो एक। खींचे जरा दो तीन। हंस के खिंचवा, रोन दो शक्ल मत करना। चलो हंसो, एक यहाँ से खिंचवा लो। यहाँ? हाँ ऐसे मुड़ो, ऐसे मुड़ो ना। बस केस स्टडी कर लेती हूँ अब। अच्छा मेरे को अपना नाम तो बताओ। हमारा नाम सिकंदर है मैडम जी। सिकंदर, पढ़े लिखे हो कि नहीं? हम ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट हो जी। अच्छा, और कितनी उम्र है तुम्हारी? 30 साल। 30 साल। कुछ खाया पिया सुबह का नहीं? अरे मैडम जी कहाँ खाया पिया, सुबह वॉक पे निकले थे और यही है सुबह से। बोल रहे हो, किसी ने बचाने की कोशिश की? अरे मजाक है मैडम जी, अगर निकाला होता किसी ने तो यहाँ थोड़ी ना पड़े होते। हाँ, हम। वो भी ठीक। बेटा हो गया तुम्हारी केस स्टडी? हाँ बस मैम हो गया। जल्दी करो, सेमिनार के लिए लेट हो रहा है। मैडम जी हमें बाहर तो निकाल दीजिए। बेटा हमारा काम है रिसर्च करना और लोगों को उसके बारे में बताना, तुम्हें गड्ढे से बाहर निकालना नहीं। अरे मैडम जी चलो। अरे मैडम जी सुनिए तो। सिकंदर फेसबुक पे हो ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी। अरे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या भेजनी है, पहले बाहर तो निकाल दीजिए। अरे मैडम जी सुनिए। अरे कोई है क्या? अरे तुम कौन हो भाई और ये क्या कर रहे हो? अरे पंडित जी हमारा नाम सिकंदर है, हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। अरे तुम तो हिंदू हो, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ बाहर निकलने में। नहीं भाई ये मुस्लिम है, तुम मुस्लिम हो ना, नाम से मुस्लिम लगता है भाई। अरे अरे फिर क्या हुआ, हमारे गांव में भी तो सिकंदर पांडे है, वो तो हिंदू है, ये हिंदू है। अरे ये मुस्लिम है, आप कैसे कह सकते हो? नहीं नहीं ये हिंदू है, जो सिकंदर बादशाह था जिसने दुनिया पे राज किया वो मुस्लिम था, इसका नाम भी सिकंदर है। अरे मुस्लिम है भाई, हिंदू है, मुस्लिम है। यार क्या यार तुम लोग हमेशा ऐसे ही लड़ते रहोगे यार, हमें बाहर निकालिए यहाँ से। बता दो कि तुम कौन हो? हम आम इंसान है, ना तो हम हिंदू है ना मुसलमान है। अरे अगर तुम आम इंसान हो तो रहो इस गड्ढे में ही, हम नहीं करते मदद तुम्हारी बाहर निकलने में। हमें भी नहीं निकलना आप जैसे लोगों से बाहर। छोड़ो, धर्म जात के नाम पे हमेशा लड़ते रहते हैं। हम चलकर कोक पीते हैं, इस नास्तिक के प्रभाव से कहीं हमारी दोस्ती दुश्मनी में ना बदल जाए। बेशर्म लोग, हमारा तो ये काम नहीं। अरे कोई, अरे भाई कोई मदद तो करो मेरी। अरे कोई है क्या बाहर? अरे तुम यहाँ पे कैसे गिरे? अरे मैडम जी हम यहाँ सुबह से गड्ढे में गिरे पड़े हैं, मैडम जी हमें बाहर निकाल दीजिए। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जी मैडम जी। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, कौन हो तुम, क्या कर रही है यहाँ पे?
मैं तो सिर्फ उसको गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। गड्ढे से बाहर निकालने का काम कानून का है। चलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। कानून अरे, के लिए मर जाए। अरे, मैं उसकी मदद कर देती हूँ। अब तुम मुझे कानून सिखाओगी? बताओ तुम्हें। अरे तुम्हारे में फर्जी केस में। भागो यहाँ से, चलो भागो। तुम जानते ही नहीं अभी जी दरोगा जी यहाँ पे तुम। अरे दरोगा जी हम यहाँ गिर गए हैं गलती से, हमें बाहर तो निकाल दीजिए। किस चीज पे बैठा ये बता। किस चीज जी बैठे तो हम पहले इस पाइप पे थे। पानी की पाइप है ना जी। शक्ल से तो मुझे आतंकवादी लग रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, पानी की पाइप में छेद करके शहर के लोगों को जहर डाल के मरवाना चाहता है। ओ नहीं नहीं दरोगा जी, हाँ हम यहीं के आगे। तेरा चालान काटता हूँ, तेरा रुक जा। क्या नाम है तेरा जी? नाम तो हमारा सिकंदर है। सिकंदर जी। गाँव कौन सा है? ये मल्लूपुर आगे जी, ये आगे वाला। ये तेरा चालान पकड़ ले इसे। अरे कल थाने में आ जाइए पेशी के लिए। अरे अरे दरोगा जी, अरे बाहर तो निकाल दीजिए, चालान भर देंगे हम। घर निकालने का काम कानून का नहीं होता है, ठीक है? तो अब ज्यादा ना बोलियो, जो काम दिया वो कर लियो, कल थाने में पहुंच जियो। आज ये वाला काम तो कर ही लूंगी पक्का। हाँ इस तरीके से नेताजी से तो मिल ही लूंगी। आप लोग भी नेताजी से मिलने ही आए होंगे। ठीक है ठीक है, ये काम तो आज कर ही लेंगे हम। अरे हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अरे आप देख लीजिए जिस हिसाब से ये कॉलम, तो आपको पता ही है आजकल न्यूज़ किस तरह से लग रही है। इलेक्शन का भी तो टाइम है ना। हाँ जी हाँ जी, देखिए इस तरीके से है कि आप अपना बजट तैयार कीजिए, फिर हमें इत्तला कीजिए, उस हिसाब से हम देख लेंगे किस हिसाब का करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। अरे कोई है क्या बाहर? अरे भाई कोई है क्या बाहर? अरे आवाज कहाँ से आ रही है? कोई है क्या वहाँ? अरे कौन है वहाँ? अरे कौन है वहाँ? अरे मैडम जी हमें। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सिकंदर है। पहले प्रिंस गिरा था, अब सिकंदर। वाओ मैडम जी, हमें बाहर तो निकाल दीजिए। स्टार बन जाओगे। अरे मैडम जी स्टार बन के क्या करेंगे हम, हमें बाहर निकलना, हमें घर जाना है अपने। बताओ तो कैसा लग, कैसा रहा है तुम्हें वहाँ पे? अरे मैडम जी लग तो बहुत बुरा लगा रहा है, लेकिन निकालेगा कौन हमें यहाँ से? सांस आ रही है ढंग से? कौन? जी थोड़ी बदबू है, लेकिन ठीक है मैडम जी। कुछ खाया है? नहीं मैडम जी, कहाँ सुबह से भूखे। कोई बात नहीं, कल जब सब लोग आएंगे तुम्हें कवर करेंगे, तब देखना स्टार बन जाओगे, जल्दी ही बाहर आ जाओगे। अरे मैडम जी नहीं, हमें अभी निकाल दीजिए बाहर, हमें घर जाना है मैडम जी। हम तो नेताजी की रिपोर्ट कवर करने आए हैं, तुम्हें निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। अरे अरे मैडम जी, अरे मैडम जी सुनिए तो। अरे ओ मैडम जी, अरे निकाल दीजिए हमें बाहर। अब की बारी। देखिए भाइयों और उनकी प्रिय बहनों, आपने मुझे जिता के बहुत ही नेक काम किया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इस तरह मुझे हमेशा वोट देते रहिए, और आपको कोई आइडिया भी नहीं है आपके साथ अब क्या क्या होगा। सड़क के सारे गड्ढे भरे जाएंगे, रोजगार दिए जाएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। वही पत्रकारिता सर, हमें पता चला है कि यहाँ पे बहुत सड़क में गड्ढे हैं, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? गड्ढे कौन से गड्ढे? मैं तो अब तक कोई गड्ढे नहीं देखा, मैं इसी सड़क से आया हूँ। आप झूठा इल्जाम लगाते रहते। सर इसी तरह से हमें पता चला कि आपके ऊपर बहुत सारे से केसेस चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? भाई का फोन है, इंटरव्यू दे रहा हूँ, होटल के लिए। आपने लॉ पढ़ा है? सर लॉ तो हमने नहीं पढ़ा। जब तक सर अरे अरे भाई कौन है? अरे भाई, अरे भाई अच्छा हुआ आप पहुंचे। भाई ऐसी थोड़ी दे, एक मिनट भाई। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया भाई साहब। चलो भाई ठीक है। भैया जी धन्यवाद आपका। अरे मेरा चश्मा चश्मा देंगे आपको, रुकी जरा मंत्री साहब से मिलते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम है वो। मैं कहाँ गया? अरे तू बड़ी आ रही है।
estudio en la escuela. Pajarita se jude boti cuando visita su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con un ratoncito. Si quiere ser mi amante, debe ser alta y delgadita.